नमस्कार, बरवड़ कंपटीशन क्लासेज हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अदाबत खैर मकतब है, आज नए तथ्य के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हिंदी शिक्षण विद्या के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये नया टॉपिक शुरू किया है, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा को देखते हुए हिंदी शिक्षण विद्या के टॉपिक को भी मैंने शुरू किया है। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मैं आपका अति आभारी रहूँगा। शिक्षण विद्या से संबंधित जितना भी सार है, जितना भी तथ्य है, मैं सारा सारा आपके सामने शॉर्ट तरीके से पेश करने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, हिंदी शिक्षण विद्या देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उनकी शिक्षण विद्या होना जरूरी है। कोई भी टीचिंग मेथड हो, चाहे सामाजिक हो, गणित हो, साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, उसमें टीचिंग मेथड होना जरूरी है। तो यह सीखना भी जरूरी है। परीक्षा में इनके अलग से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं जो भ्रमित कर देते हैं, घुमा फिरा के सवाल आते हैं। सवाल वही है, घुमा फिरा के आता है। तो सभी टीचिंग के लिए शिक्षण विद्या होना अत्यंत जरूरी है। हम हिंदी विषय की शिक्षण विद्या है उनकी शुरुआत करते हैं। हिंदी विषय में कुछ संस्कृत के शब्द भी साथ में आएंगे। पहले हम भाषा को लेते हैं, हिंदी भाषा को लेते हैं, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप करके जितनी भी शिक्षण विद्या है हमारे कोर्स के अंदर, तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो भी है, उनको स्टेप बाय स्तर बाय स्तर उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। पहला है हिंदी शिक्षण विद्या, भाषा एक मानवीय कलाकृति है। देखिए मित्रों, भाषा एक मानवीय कलाकृति है, मानव की एक कला है भाषा। भाषा मानव की एक कला है, इसलिए भाषा को मानवीय कलाकृति कहा गया है। लिखना, पढ़ना, बोलना, ये मानव की कला है, इसलिए भाषा एक मानवीय कलाकृति है। और भाषा भाष धातु से बना है। भाष धातु संस्कृत का शब्द है, भाष धातु संस्कृतम का शब्द है, इससे बना है। भाष धातु से भाषा बनी है, भाष धातु से भाषा बनी है, भाष धातु संस्कृत का शब्द है। भाषा की विशेषता, भाषा कैसी होनी चाहिए उनकी विशेषता देखिए। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। देखिए मित्रों, भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि पिता की जो भाषा थी वो पुत्र की भाषा हो जाए, दादा की जो भाषा थी वो पुत्र की भाषा हो जाए, ऐसा कदापि नहीं होता। भाषा अर्जित करनी पड़ती है, भाषा जन्मजात नहीं होती, भाषा अर्जित करनी पड़ती है, इसलिए भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। माता पिता या पुरुषों की देन भाषा नहीं है, भाषा को सीखना पड़ता है। सीखते हैं तो भाषा का ज्ञान होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसे कोई भाषा का ज्ञान नहीं होता, वो धीरे धीरे सीखता है, इसलिए भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा एक मानक रूप है। भाषा कोई भी हो, भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कोई भी भाषा हो, वो एक मानक रूप है, लिखने का मानक रूप है। और भाषा एक व्यवहारिक कुशलता है, भाषा एक व्यवहारिक कुशलता है। व्यवहार में, बोलचाल में, प्रयोग में जो शब्द प्रयोग में लेते हैं वो हमारी व्यवहारिक कुशलता है, हमारा व्यवहार है। हम जो संचार करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, वो हमारा व्यवहार है, वो हमारा संचार है, हमारी कुशलता है, इसलिए भाषा व्यवहारिक कुशलता है। भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है, भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है, प्रतीक बनाए गए हैं। जैसे हर वस्तु के अलग अलग नाम है, हर वस्तु के अलग अलग नाम है, इसकी भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, रूप नहीं होता, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। भाषा अनवरत चलती रहती है, अंतिम कोई स्वरूप नहीं होता। भाषा जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, भाषा हमेशा जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। शुरू शुरू सीखने से जटिल लगते हैं, धीरे 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 वो सरल होती जाती है। जैसे कोई नया बच्चा भाषा को सीखता है तो धीरे धीरे उनको जटिल शब्द लगते हैं,
धीरे धीरे वो करता करता ऐसे सरलता की ओर आ जाता है। इसलिए यह कई बार परीक्षा में आया, वह शब्द है वाक्य है भाषा जटिलता से सरलता की ओर, भाषा सरलता से जटिलता की ओर। इस तरीके से यह पंक्ति हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, भाषा जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, चलती है। आगे मित्रों भाषा की परिभाषा, भाषा की परिभाषा कई ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने भाषा की परिभाषा दी है। मैं दो तीन विद्वानों के नाम यहाँ गिनाऊंगा, बताऊंगा, और भी विद्वान हैं मुझे इंपोर्टेंट लगे उनको मैं यहाँ लेकर आया हूँ। क्रौंचे, क्रौंचे की हमेशा परिभाषा पूछी जाती है परीक्षा में। तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा होती है, उसमें क्रौंचे की भाषा की परिभाषा के रूप में सवाल अक्सर आते हैं। कभी क्रौंचे का आ जाता है, कभी मैक्स मुलर का आ जाता है, कभी गवार डंडी का भी आ जाता है, प्लेटो का भी आता है। क्रौंचे का अधिक बार आया है, मैंने आरपीसी के और दूसरे स्टेट के पेपर उठा कर देखे हैं जिसमें क्रौंचे की परिभाषा अधिकतर पूछी गई है। ये परिभाषाएं अधिकतर पूछी गई है, उन परिभाषाओं को मैं लेकर आया हूँ। क्रौंचे भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का एक संगठन है। क्रौंचे ने बताया भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का एक संगठन है, सीमित ध्वनियों का एक संगठन है, उसके माध्यम से हम बोलते हैं, ऐसा क्रौंचे ने बताया है। मैक्स मुलर ने बताया भाषा यदि प्रकृति की देन है, मैक्स मुलर ने कहा भाषा यदि प्रकृति की देन है तो निसंदेह यह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह परिभाषा देने वाले मैक्स मुलर है, इन्होंने कहा भाषा अगर प्रकृति की देन है, भाषा अगर प्रकृति की देन है तो निसंदेह यह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना हो सकती है, ऐसा मैक्स मुलर ने बताया है। फिर तीसरे नंबर पे है दंडी, दंडी ने कहा है भाषा न होती तो तीन लोक अंधकारपूर्ण होते। बहुत बड़ी कल्पना की है दंडी ने, अगर भाषा नहीं होती तो तीनों लोकों में अंधकार होता, अंधेरा होता, ऐसा दंडी ने अपनी कल्पना की है। अपने जो ग्रंथ है काव्यदर्श में उन्होंने बताया भाषा न होती तो तीन लोक में अंधकार होता, ऐसा दंडी ने बताया। अब देखिए मित्रों भाषा सीखने के क्रम, भाषा को सीखने के कुछ कर्म है, मनोवैज्ञानिक कर्म है, भाषा को मनोवैज्ञानिक तरीके से सीखा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले सुनते हैं, सुनना सुबो पाली, ठीक है, ऐसे याद रखना, सुनना सुनते हैं, उसके बाद बोलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद लिखने की कोशिश करते हैं। ये हिंदी में सुबो पाली, अगर यही इंग्लिश में किया जाए तो पहले लर्निंग करेगा, उसके बाद में स्पीकिंग करेगा, उसके बाद में रीडिंग करेगा और उसके बाद में राइटिंग करेगा। यही संस्कृत में है, सबसे पहले श्रवणम सुनेगा, उसके बाद में वदनम बोलेगा, उसके बाद में पठनम पढ़ेगा, उसके बाद में लेखनम लिखेगा। ये एक मनोवैज्ञानिक कर्म है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है भाषा का मनोवैज्ञानिक कर्म है, जिसमें सुबोपली दे दिया, कभी वो पहले दे दिया, कभी प पहले दे दिया, कभी ली पहले दे दिया, या संस्कृत वाला ऐसे पूछ लिया जाता है। मिलान वाले प्रश्नों में अक्सर ये सवाल आते हैं, तो भाषा के सीखने के मनोवैज्ञानिक कर्म यह है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आज इतना ही, कल नए तथ्य के साथ में और हाजिर होऊंगा। मैं सारी शिक्षण विधियां जो तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस में समायोजित की गई है, उन सारी शिक्षण विधियों को विस्तार से सार गर्भित तथ्य सहित में लाने की कोशिश करूंगा। जब तक मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपका अति आभारी रहूंगा। आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।